हाउ टू फ्लैश जियो F90 मोबाइल, यानी कि मेरे पास एक ये मोबाइल है जियो का, ठीक है, जिसको मैं इसमें सॉफ्टवेयर करना है। सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग मॉडल नंबर एक बार चेक करेंगे। तो बैटरी का, बैटरी को हम लोग निकालेंगे बाहर और यहाँ पर देखते हैं इसके पास इसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। तो इसका मॉडल नंबर है F90 Black, ठीक है। तो ये इसका मॉडल नंबर है। ये साइट में प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज़्यादा हैंग करता है। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे, तो एक तो है फ्री टूल के माध्यम से, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि UMT डोंगल के माध्यम से इसको किस तरीके से हम लोग फ्लैश करते हैं, ठीक है। तो और जो इसकी बूट की होती है वो ये होती है, वॉल्यूम अप और पावर वाली बटन। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पे और इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको हमें फ्लैश करना है। कंप्यूटर में क्या करना, सबसे पहले नेट को ऑन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद UMT डोंगल को हम अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप में लगा लेते हैं। क्या करना है आपको, कंप्यूटर पे अल्टीमेट मल्टी टूल QC फायर, इसको डबल क्लिक करके आप जब ओपन करोगे तो इस तरह की आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, ठीक। अल्टीमेट मल्टी टूल QC फायर 3.5 इसका जो वर्जन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम, इस पर टिक करना है और पैच, इस पर भी टिक करना है। अब हमें इसकी फ्लैश फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो फ्लैश फाइल हमारी कहाँ पे है, कंप्यूटर पे आएंगे, कंप्यूटर के बाद ड्राइव ई, और यहां पर एक है जियो फ्लैश फाइल, इस जियो फोल्डर है, इसके अंदर है F90M और इसके अंदर ये इसकी फाइलें पड़ी है सारी की सारी, ठीक है। तो हमें इसको सिलेक्ट करना है, तो कहां पे है ये जियो फ्लैश फाइल F90, तो यहां पर आएंगे, ब्राउज करेंगे, ड्राइव हम लोग ई में से कंप्यूटर पर गए, ई में आएंगे, जियो फ्लैश फाइल, इसके बाद F90। अब जो इसमें पहली वाली जो फाइल है अनस्पेयर वाली, ठीक, ये वाली फाइल आपको सिलेक्ट करनी, पहली वाली फाइल सिलेक्ट करके ओपन कर लेनी है, यहां पर फाइल आएगी। इसके बाद जब आती सेकेंड नंबर पैच वाली फाइल, आपको क्या करना है, सिंपली पैच जीरो सिलेक्ट करना है, क्या करना है पैच जीरो, और उसको ओपन कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको डाटा केबल से मोबाइल को कनेक्ट करना है, डाटा केबल से मोबाइल को कनेक्ट करना है, इस तरीके से जोड़ दिया। इसके बाद इसको कंप्यूटर से या लैपटॉप से आपके पास जो भी है उससे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चार्जिंग मोड पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेट हैंग कर रहा है, इसमें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि सिंपली इसकी वॉल्यूम अप वाली बटन और पावर वाली बटन एक साथ प्रेस करेंगे तब ये EDL मोड में आएगा, यानी कि जो कंप्यूटर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर इसका सिस्टम दिखाई देगा पोर्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली दिखा सके, ठीक है। अब इसको हम लोग डाउनलोड मोड में आते हैं, ठीक है, या बूट की जो होती है इसकी F90 की वॉल्यूम अप और पावर वाली बटन, तो उसको दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो जैसे इसको दबाएंगे तैसे ही यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में पोर्ट बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पोर्ट कॉम करके आ गया LPT, और ये कौन सा पोर्ट बन रहा है इस पे, USB QD लोडर 9008 कॉम 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब ये पोर्ट बन गया तो सिंपली आपको यहाँ पे फ्लैश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ्लैश पर क्लिक करोगे तो वैसे ही इसके अंदर फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ओपनिंग पोर्ट और ये यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट होगी, जाके तो फ्लैशिंग चल देगी, लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो मोबाइल है वो फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैशिंग अभी स्टार्ट है, चलने दो, धन्यवाद। और जैसे इसकी फ्लैश जो जैसे ही इसकी फ्लैशिंग कंप्लीट होगी वैसे ही क्या करेगा, ये सेट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, वहां पर लिख के आएगा कंप्लीट ओके, और यहाँ पे इसकी जो फ्लैशिंग है कंप्लीट हो जाएगी, तैसे ही सेट जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आया ऑपरेशन फिनिश्ड,
और देखो ये मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिक ऑन होने लगा, यानी कि इसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, फ्लैश हो चुका है, अपडेट हो चुका है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सिंपल से काम करना है। अगर आपको इसको अगर थ्री टूल से करना है, ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पे अल्टीमेट मल्टी टूल से, ठीक है, जूमटी डोंगल के थ्रू। अगर आपको इसको उस तरीके से करना है तो उसके लिए आपके पास QFIL टूल होना चाहिए। QFIL टूल ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करना, सबसे पहला ऑप्शन फ्लैट बोल्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्राउज करके जो पहली वाली फाइल है .mbn इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद लोड एक्सएमएल फाइल पर क्लिक करना है एंड प्रेस जीरो, ठीक है, पैक जीरो के साथ में। इसके बाद अभी यहाँ पर डाउनलोड का मोड जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो सिंपली इसको क्या करना, वही ऑन अप वाली बटन और वॉल्यूम अप वाली बटन एक साथ दबाओगे तो ये डाउनलोड मोड में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन जो है हाईलाइट होने लगेगा, और सिंपली फ्लैश पेज पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो तरीके से आप फ्लैश कर सकते हो, तो यूनिटी डोंगल के से कर सकते हो और एक फ्री टूल से कर सकते हो।